हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सर्जिक एंड आई होप आपके गेट के प्रिपरेशंस अच्छे चल रहे हैं। ओनली 3.5 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर गेट नाउ, तो अब हाई टाइम है कि आप अपने प्रिपरेशन मोड को थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरफ, क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ लेके जाओ। अभी सिलेबस आप कवर कर रहे हो, यू मे बी यू हैव कवर्ड 70-80% सिलेबस, मे बी यू हैव कवर्ड एवरीथिंग, बट अब टाइम आ चुका है कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो ऑलरेडी टेस्ट सीरीज ले चुके होंगे, लेकिन उन्होंने अभी टेस्ट देने ठीक से स्टार्ट नहीं किए हैं, और दे भी रहे हैं टेस्ट तो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट देने स्टार्ट नहीं किए हैं। एक्सर्जिक में भी बहुत सारे जो टेस्ट सीरीज में स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनको हम रैंडमली कॉल करके पूछते हैं कि कैसा कोर्स चल रहा है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही वगैरह वगैरह। तो उसमें जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत रेगुलरली टेस्ट दे रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, इवन वो स्टूडेंट्स भी फुल लेंथ टेस्ट देने के लिए जो प्लान कर रहे हैं, दे आर प्लानिंग इन नवम्बर, मे बी इन दिसंबर, जो कि एक बहुत अच्छा प्लान नहीं है। देखिए, दो बातें हैं जो मुझसे आपको शेयर करनी है टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, उसी के लिए बेसिकली एक छोटा सा वीडियो मैंने प्लान किया। पहली चीज तो ये है कि आप उस फीलिंग का वेट मत कीजिए कि जब एक अच्छी सी फीलिंग आती है ना, जब सब सिलेबस खत्म हो जाता है, जब आप सब रैप अप कर लेते हो, सब 10 बार रिवाइज कर लेते हो, तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है, उस फीलिंग का इंतजार मत करो आप टेस्ट देने के लिए, क्योंकि वो फीलिंग बहुत लेट आएगी और इन मेनी केसेस वो फीलिंग आएगी ही नहीं। अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो गेट से एक दिन पहले मुझे भी बहुत कुछ लग रहा था कि मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, लेकिन वो मैटर बहुत ज्यादा नहीं करता है, क्योंकि सिलेबस इतना सारा है और इतनी सारी चीजें हैं कि कुछ ना कुछ आपको, कितने ही साल आप पढ़ लो, कुछ ना कुछ लगेगा कि यार वो टॉपिक शायद मैं और बेटर पढ़ लेता, या उस टॉपिक में मैंने वो कॉन्सेप्ट को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। तो इस तरीके की चीजें हमेशा आपके माइंड में रहेंगी, इन चीजों की वजह से आप टेस्ट को डिले मत करो। ये मत सोचो कि पूरा मैं उसको पूर्णाहुति कर दूंगा, पूरा खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट देना, ये मत करो, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। आप अभी से फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट करो, एक दो स्टार्ट करो इस मंथ, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू राइट जस्ट 1 FLT, नवंबर में 4-5 FLT लिख देना, बट कोशिश करो कि अब मोमेंटम स्टार्ट करो टेस्ट देने का। क्योंकि देखो, असली फायदा क्या है टेस्ट सीरीज का, टेस्ट सीरीज का मतलब है कि आप अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बनाओ टेस्ट के हिसाब से, अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करो और उन पे काम करो। अब अगर आप जनवरी और दिसंबर में ही आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे तो आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए, स्ट्रेटजी ट्राई करने के लिए और वीक एरियाज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत टाइम नहीं रहेगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर ही नहीं पाओगे, बट वो एक बहुत इनफ टाइम नहीं है। जितनी गलतियां आप अभी कर लोगे फुल लेंथ टेस्ट में, उतनी गलतियों से आप गेट में बच जाओगे। जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप अभी देख लोगे और जितने वैरायटी ऑफ सिली मिस्टेक्स आप अभी देख लोगे, उन सब से आप गेट में बच जाओगे, उनको आप गेट में रिपीट नहीं करोगे। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप फुल लेंथ टेस्ट की अहमियत को समझो। टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ऑब्वियसली दे आर इम्पॉर्टेंट, दे हैव देयर ओन रोल, लेकिन फुल लेंथ टेस्ट आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट दैट यू कैन राइट। तो आप फुल लेंथ टेस्ट लिखना स्टार्ट कीजिए। दूसरी वजह जिस वजह से स्टूडेंट्स फुल लेंथ टेस्ट लिखना स्टार्ट नहीं करते हैं टाइम पे, वो ये है कि वो अपने मार्क्स को बहुत सीरियसली लेते हैं, टेस्ट सीरीज के मार्क्स को। उसमें खराब नंबर आ जाते हैं तो पूरे डीमोटिवेट हो जाते हैं, अच्छे आ जाते हैं तो सातवें आसमान में पहुंच जाते हैं। देखो, कभी भी अपने टेस्ट सीरीज के मार्क्स को इतना सीरियसली मत लो। आप टेस्ट सीरीज को एज अ टूल ऑफ इम्प्रूवमेंट यूज करो, इट इज फॉर योर इम्प्रूवमेंट, नॉट टू एक्चुअली टेस्ट योर सेल्फ। आपके गेट में कितने मार्क्स आएंगे ये जानने के लिए आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो, ये क्लियर रखो अपने माइंड में। टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो अपनी खामियों को और जो आपके ग्रे एरियाज हैं, जो आपके वीक एरियाज हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए, उन पर काम करने के लिए। अब अगर आप अपनी इम्प्रूवमेंट को डिले करते जाओगे कि नहीं दिसंबर में, जनवरी में, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। इट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट राइटिंग फुल लेंथ टेस्ट, नो मैटर यू हैव कंप्लीटेड ओनली 60% ऑफ द सिलेबस। ये मत सोचो, 60-70-80 जितना परसेंट भी पोर्शन आपने कवर कर लिया है उसी बेस पे आप टेस्ट दो, एटलीस्ट उतने परसेंटेज की वीक एरियाज तो आपको पता चलेंगे। मार्क्स का मत सोचिए कि कितने मार्क्स आएंगे आपके फुल लेंथ टेस्ट में,
बहुत सारे एस्पिरेंट्स एकदम 50s 40s में मार्क्स लाते हैं शुरुआत में, और इंप्रूव करते करते धीरे धीरे उनके मार्क्स इन दी जनवरी दे क्रॉस 80 मार्क्स 85 मार्क्स इन टेस्ट सीरीज. ऑब्वियसली रेलेवेंट टेस्ट सीरीज, गेट लेवल की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट गेट लेवल के होने चाहिए टेस्ट सीरीज में. इट इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन, अदरवाइज बहुत गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं एनालिसिस, उसके बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में. तो जो रेलेवेंट टेस्ट सीरीज के फुल लेंथ टेस्ट आप दे रहे हो उसमें आप देखोगे आपके मार्क्स स्टेडिली इंक्रीज करने लग जाएंगे. और इवन इफ इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, आई नो अ लॉट ऑफ सच स्टूडेंट्स ऑल्सो जिनके टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स नहीं रहे हैं बट गेट में दे हैव परफॉर्म ब्रिलियंटली, बहुत अच्छे रैंक लाए वो गेट में. क्योंकि सोल पर्पज टेस्ट सीरीज का, आप ये बात एकदम सही से अपने माइंड में फिक्स कर लो कि टेस्ट सीरीज का पर्पज जो है वो मेरे मार्क्स देखना नहीं है कि मेरे गेट में कितने मार्क्स आएंगे. ये देख के क्या करोगे आप, तो गेट दे देना, पता चल जाएगा आपको कितने मार्क्स आएंगे आपके गेट में. पर्पज टेस्ट सीरीज का है कि इंप्रूवमेंट हो आपके, जितना आपने पोर्शन कवर कर रखा है उसमें, और जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो टेस्ट सीरीज में आपको मेक श्योर करना है कि वो आप रिपीट नहीं करोगे, ना ही किसी और टेस्ट में ना ही गेट में. ये पर्पज है. रैंक कितनी आ रही है, मार्क्स कितने आ रहे हैं, इस सब को आप सीरियसली मत लो अगर आपको अच्छी रैंक लानी है गेट में. तो इसीलिए ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया सो दैट मैं आपको एक 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 पुश दे सकूं, ये बता सकूं कि अब टाइम आ चुका है फुल लेंथ टेस्ट लिखने का. आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि इट्स टू अर्ली, दैट इज व्हाई आई एम नॉट सेइंग कि आप सारे फुल लेंथ टेस्ट अभी एक महीने में खत्म कर दीजिए. स्टार्ट कीजिए, एक टेस्ट तो लिखिए, एटलीस्ट नवंबर के एंड तक 4-5 फुल लेंथ टेस्ट तो आप कंप्लीट कीजिए, एक मोमेंटम तो स्टार्ट कीजिए. तो इसलिए ये मैंने वीडियो बनाया है. और इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस मैं प्लान कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं देखो जो मेरे माइंड में होती हैं दैट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस, जिससे रिलेटेड मैं आपको गाइडेंस देना चाहता हूँ. बट ड्यू टू बिजी शेड्यूल मैं अलग से वीडियो बनाने का टाइम कम निकाल पाता हूँ. तो इसीलिए मैंने इस सेटअप में सोचा कि मैं पैरेलली काम करते करते बीच में एक जो भी माइंड में मेरे चलता रहता है, जो भी मैं अपने स्टूडेंट से प्रीमियम ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ चीज़ें, वो कुछ चीज़ें मैं आपसे भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी उस चीज़ का बेनिफिट लो. तो यही मेरे को इस वीडियो में बात करनी थी. आप जो मैं बता रहा हूँ उसको सीरियसली लीजिए, उस पर काम कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.